प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ अपने सब्द स्कूल के पाठ के अध्ययन में। परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें एक अच्छा और सुंदर अवसर दिया है कि सब मिलकर हम लोग इस पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। अजीज़ो, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जो हैं 2022 के दूसरे त्रिमास में हैं और आज हम सातवें पाठ का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारे सातवां पाठ है। और इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, मैं स्वागत करना चाहती हूं जो हमारे बीच में मेहमान हैं, मिस्टर राजेश चंद आपका मैं स्वागत करती हूं और पास्टर भारती आपका, जो आज हमें आज इस पाठ का अध्ययन कराएंगे। आइए, इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद हमारी दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस अच्छे समय के लिए। आपने हमें एक बार फिर से ये अवसर प्रदान किया है कि हम यहाँ पर बैठकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, हम सारे आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जो आपने हमारे जीवन में दी हैं। प्रभु, हमें जिंदा रखा है और हमें ज्ञान और बुद्धि आपने दी है प्रभु, और हम आज का जो पाठ है उसको हम अपने श्रोतागणों के साथ उसको हम बांट सकते हैं प्रभु। और जब हम इस पाठ का अध्ययन मिलकर करते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य दें ताकि हम जो कुछ भी यहाँ आपके वचन से पढ़ते हैं और सीखते हैं प्रभु, ये सब हमारे जीवन को और उन्नत बना सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सारे श्रोतागणों के लिए जो हर सप्ताह इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस पाठ का अध्ययन मिलकर करते हैं हमारे साथ और सीखते हैं। प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपने इस पृथ्वी पर इन संसार के लोगों के बीच में हमें रखा है ताकि हम आपके वचन को उनके साथ बांट सकें, ताकि वो भी उस अनंत जीवन के भागी हो सके प्रभु जो आपने सबके लिए रखा है। तो इस समय प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, और इस पाठ को पढ़ के हम अपने जीवन को और अधिक आपके नज़दीक ला सकें। प्रभु, हमारी सारी गुनाहों को, सारे पापों को क्षमा करें प्रभु, क्योंकि ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से स्वर्ग राज्य में सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्याय में भी हमने अब्राहम के बारे में सीखा, उसके विश्वास के बारे में सीखा कि जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, बिना किसी कोई सोचे विचारे उसने उस आज्ञा का पालन किया। अजीज़ो, उससे हमने बहुत शिक्षा पाई और हमें बहुत सी जो है कुछ सीखने को मिला। और आज का अध्ययन जो है, हम उत्पत्ति की 15, 16, 17, 18 इन अध्यायों का आज हम अध्ययन करेंगे, और जिसमें हम और अब्राहम के विषय में सीखेंगे। और आज का टाइटल है, जिस तरीके से हमारा इस पाठ का, अब्राहम के साथ समझौता। नूह के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, और ये दूसरा वाचा है, दूसरा समझौता है जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया, जो हम सब के लिए दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को, अपने वाचा को पूरा किया। अजीज़ो, हम आज के याद वचन को भी पढ़ना चाहेंगे जो कि उत्पत्ति की 15 अध्याय की दूसरी आयत है। उत्पत्ति 15, उसका अध्याय 2, आप भी अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। इस तरह लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अजीजों, परमेश्वर ने अपनी वाचा अब्राहम के साथ बांधी, उसका आज हम अध्ययन करेंगे, विस्तार से जानेंगे। और हम देखते हैं इस अध्ययन में जो है, अब्राहम जो है उसके विश्वास को और भी हम
करीबी से देखेंगे कि उसने किस तरह से परमेश्वर पर अपना विश्वास रखा, अपनी आशा टिकाए रखी, उस पर भरोसा किया और वो अपने सफ़र में आगे बढ़ता गया, जबकि उसके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ भी आई। अजीज़ों, इस अध्ययन में हम देखेंगे कि वो डरा हुआ है, भयभीत है, और कुछ अचंभित बातें भी जो हैं, जो परमेश्वर वाचा बांधता है तो अचंभा होता है, ये हम आज विस्तार से सीखेंगे। परंतु जब आगे हम इसका अध्ययन करते हैं तो वो देखते हैं कि अब्राहम ने जो है सारा का भी परवाह की, हाजरा की भी परवाह की और लूत की भी परवाह की, और उसके ज़रिए उसने लूत उस जगह पर जहाँ पर सदोरा मुमर उसमें जहाँ लोग रहते थे उनकी परवाह के लिए उसने किस तरह प्रार्थना की। तो अजीज़ो, आज हम सब इन बातों को विस्तार से सीखेंगे, जानेंगे, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम लोग इस अध्ययन से क्या सीख सकते हैं, ये हमारे जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे गेस्ट हैं, ये हमें सिखाएंगे। आइए हम रविवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है अब्राहम का विश्वास। और मैं वासव भारती से चाहूँगी कि वो हम सबको इस विषय में बताएं, समझाएं, अब्राहम के विश्वास के विषय में हमारे दर्शकों को क्या आप सिखाना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि शीर्षक है अब्राहम का विश्वास, उसके विश्वास के विषय में आप हमें सिखाएं। हम आज रविवार का परचा सीखने के लिए जा रहे हैं, जिसको अब्राहम का विश्वास के रूप में जो यहाँ पर रखा गया है, जो उत्पत्ति की किताब उसके 15 अध्याय से लिया गया है। और जब हम 15 अध्याय की तरफ देखते हैं तो 15 अध्याय का जो है यहाँ पर टाइटल दिया गया है कि अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। तो इस पूरे अध्याय का जब हम इस अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किस तरह से अपनी वाचा जो है वो बांधी। और जैसा अभी मिसेज भारती ने पढ़ा, जो हमारा याद वचन है, और यहाँ पहली और दूसरी आयत को यहाँ अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो अब्राहम के पास पहुँचता है, और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि हे अब्राहम, तू मत डर। और वो कहता है परमेश्वर के, मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ। इस पहली आयत को पढ़ने के बाद हमें ये थोड़ा सा महसूस होता है कि अब्राहम जो है वो परेशान है, अब्राहम जो है वो डरा हुआ है कि मैं इस इलाके का, इस क्षेत्र का इतना बड़ा आदमी हूँ और मेरे परिवार में कोई संतान नहीं है। और इसलिए वो दूसरी आयत में कहता है कि प्रभु, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो लाचार हूँ, और मेरे घर का जो वारिस है ये दमिश्कवासी एलीएजर जो है, वो जो मिस्र देश से मेरे साथ आया है, एलीएजर वो जो है मेरे घर का क्या मालिक होगा। और परमेश्वर जो है यहाँ पर उसको जो है उसके साथ ये वाचा बांधता है और उसको जो है कहता है कि वो तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निच पुत्र होगा, जो तेरी पत्नी के कोख से जो है जन्म लेगा, वही जो है तेरा वारिस होगा। और परमेश्वर जो है उसको वहाँ से उठा करके बाहर की तरफ ले जाता है और कहता है कि आसमान की तरफ देख, और आसमान में जितने सितारे हैं, जितने तारे हैं, तेरा वंश जो है वो इनके बराबर होगा। और अब्राहम जो है ये विश्वास करता है परमेश्वर के कहने के मुताबिक। लेकिन परमेश्वर जो यहाँ पर कहता है कि अब्राहम जो है वो यहाँ यहोवा से, परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, इसका जो है वो क्या निशान होगा, मैं कैसे विश्वास करूँ कि जो तूने कहा है वो जो है सच्चा होगा। तो यहाँ 7 आयत से लेकर के 9 आयत में एक आश्चर्यकर्म का जो यहाँ पर जिक्र किया गया है कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू एक 3 वर्ष का कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और एक कबूतर का बच्चा ले, और उनको जो है, जो कलोर है, बकरी है, मेढ़ा है, और उनको जो है, जो पिंडुक है, उनको जो है उनके शरीर के 2-2 हिस्से कर दे और दोनों को जो है आमने सामने रख दे। और वहाँ पर अब्राहम जो है परमेश्वर के कहने के अनुसार करता है। और शाम के वक्त जब पक्षी जो हैं उन लोथों को, उनकी डेड बॉडी को, जो पशु थे उनकी डेड बॉडी को खाने के लिए आते हैं, तो अब्राहम उनको उड़ा देता है। उसके बाद उनके बीच में से एक अंगीठी और एक जलती हुई मसाल जो है उनके बीच में से होकर के निकल जाती है, और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि ये निशान होगा तेरे बीच में
कि मैं तेरे साथ हूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, और मैंने जो है तुझे ये ऐसी रकम करके दिखाया है कि ये जो है तेरे और मेरे बीच में जो है निशान होगा, और तेरा वंश जो है वो खुशहाल होगा, लेकिन कुछ समय के बाद तेरा वंश जो है वो गुलामी में जाएगा 400 साल तक, और फिर मैं उनकी सुधि लूँगा, और 400 साल के बाद फिर मैं उनको वहाँ से निकाल करके लाऊँगा। तो अब्राहम इन तमाम बातों को जो परमेश्वर उससे करता है बड़े ध्यान से बड़े गौर से उनको सुनता है और दिल से उनका विश्वास करता है कि हाँ परमेश्वर ने जो कहा है वैसा ही होगा, और आगे हम देखेंगे कि वैसा ही होता है जैसा परमेश्वर उसको उसके साथ वादा करता है। शुक्रगुजार हैं पास्टर भारती आपका, आपने जो हमें सिखाया। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं, और मिस्टर राजेश चंद से चाहूँगी कि वो हमें इस विषय में बताएं, जैसा कि शीर्षक है अब्राहम संदेह करता है, सोमवार का शीर्षक है। मैं चाहती हूँ आप बताएं अब्राहम और सारा की कहानी के विचार किस तरह आदम और हवा की कहानी से मेल खाते हैं, और इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप बताएं। जी शुक्रिया। अभी अभी मैं पास्टर भारती को सुन रहा था जब वो संडे का जो पाठ है उसको बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने अब्राहम को, या शुरू में हम उसको अब्राहम बोलते हैं, अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी थी कि वो उसको एक बड़ा देश बनाएगा, जितने आसमान में तारे हैं इतना उसका वंश करेगा। और अब्राहम जो है वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, लेकिन अभी हम देखते हैं इस वाले पाठ में, सोमवार के पाठ में, कि अब्राहम जो है वह परमेश्वर पे संदेह करता है। तो ये बात थोड़ी मुझे तो विचलित करती है, पता नहीं आप लोगों को करती है या नहीं करती है, लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम जो है परमेश्वर पर बहुत भरोसा करता था, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत था, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं कि हम संदेह भी करने लगते हैं। जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर संदेह किया, परमेश्वर ने उसको एक पुत्र देने का वचन दिया, लेकिन अब्राहम को और सारे को कनान देश में रहते हुए 10 साल बीत गए थे, और इन 10 सालों में उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। हालांकि अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया था, उसके साथ वाचा बांधी थी कि वो उसको एक बड़ा नेशन बनाएगा, बड़ा एक राष्ट्र उसको बनाएगा, और उसको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन हम कहानी में देखते हैं कि अब्राहम जो है वो संदेह करता है। तो अब्राहम की जो स्त्री थी, जो उसकी पत्नी थी सारे, वो कहती है कि परमेश्वर ने हमें अभी तक कुछ नहीं दिया है, उसने पुत्र देने का वादा किया है लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो सारे जो है वो अब्राहम को बोलती है कि जो उनकी दासी थी, जो मिस्र की एक दासी उनके पास थी, इसका नाम हाजिरा है। तो मैडम भारती ने सवाल किया है कि हाजिरा और हवा, इन दोनों के में हम क्या तुलना करके हम क्या सीख सकते हैं, क्या पाते हैं। तो हम यहाँ पर पहली नज़र में यही पाते हैं कि आदम ने और अब्राहम ने, उन्होंने अपनी स्त्री की, अपनी पत्नी की बातों को माना। परमेश्वर की आज्ञा थी अदन की वाटिका में कि उस फल को नहीं खाना है, यहाँ पर भी परमेश्वर की आज्ञा थी, उसका वचन था कि वो सारा के थ्रू एक उनको बच्चा देगा, पुत्र देगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के विश्वास में कमी पाई गई, और अब्राहम जो है उसने अपनी स्त्री के, अपनी पत्नी के कहने पर अपनी दासी को अपना लिया, और उसके द्वारा उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जैसे कि हम अब आज के पाठ में हम पढ़ते हैं। तो
तो परमेश्वर आदम को एक पुत्र देने का, अब्राहम को एक पुत्र देने का वादा करता है, लेकिन 10 साल तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि उसके विश्वास में कमी आई, वो संदेह करता है। तो सारे जो है परमेश्वर को अपना वादा पूरा करने में मदद करने के लिए वो ये विचार अपने पति यानी कि अब्राहम को सुझाती है और वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अदन की वाटिका में हवा जो थी वो अपने पति को या आदम को फल खाने के लिए कहती है, वो खा लेता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो अब्राहम को जो दासी थी मिस्र की दासी उसको अपनाने के लिए बोलती है उसकी पत्नी, और वो उस काम को करता है और उससे उनको एक बच्चे की प्राप्ति भी होती है जिसका नाम इस्माइल रखा जाता है। तो अब्राहम और सारे की इस कहानी में हम अदन की वाटिका में आदम और हवा की कहानी को देखते हैं। दोनों कहानियां एक तरह के विचारों को दर्शाती हैं जो मैंने आपके सामने अभी बताई, लेकिन पौलुस जो है वो भी इस बात को दोहराता है, वो बताता है इस कहानी को सिखाने के लिए। वो भी बात करता है, यदि हम गलतियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 23 से पद से आगे पढ़ते हैं तो आदम और हवा की कहानी और हाजरा की कहानी में दोनों में वही होता है। जब हम हमारे जीवन में जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जाते हैं तो क्या होता है, हम संकट में पड़ जाते हैं। तो इस पाठ से का जब हम सार निकालें तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर की जो योजना है, जो परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है, जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है, हम उसको पूरा होने दें या हम उसके विरुद्ध ना जाएं। जिस प्रकार से अब्राहम और सारा की कहानी में, आदम हवा की कहानी में हम देखते हैं वो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध गए और वो संकट में पड़ गए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की योजना पर हम विश्वास करें, उसके विरुद्ध ना जाएं, तभी जो है परमेश्वर हमें अपनी आशीष भरपूर मात्रा में देगा। शुक्रगुजार हूँ राजेश चंद आपका, आपने अपने अच्छे विचार हम लोगों के साथ साझा किए। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है समझौता या वाचा का प्रमाण। पास्टर भारती से जानना चाहेंगे इस विषय पर रोशनी डालें। इस अध्ययन में जो वाचा है यह हमें परमेश्वर के किस वायदे के विषय में सिखाती है, बताती है। जैसा अभी हमने रविवार के पर्चे में जो है वो सीखा कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, और जो हमने अभी रविवार के पर्चे में पढ़ा उसको जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, और अभी जैसा चंद साहब ने राजेश चंदी ने बताया कि उस वाचा को बांधे हुए 10 साल गुजर चुके हैं और अब्राहम जो है वो अन्य जातियों के बीच में रहता है और वहाँ जो उसके आसपास में दूसरे विश्वास के लोग रहते हैं और इस माहौल में वो रहता है कि वो आसपास के लोगों के साथ भी उसका उठना बैठना है। और हम देखते हैं कि जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी वो उसमें जो है कुछ धुंधलापन आने लगता है समय के साथ साथ, और इसलिए हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि जब हम सोमवार के पर्चे में आते हैं तो हमें थोड़ा सा जो है वो दिखाया जाता है कि शायद अब्राहम जो है अपने उस समझौते में, अपनी उस वाचा में जो परमेश्वर ने उसके साथ बांधी थी उसमें वो कुछ कमज़ोर नज़र आता है, और इसलिए यहाँ जो है 10 साल के बाद एक बार फिर परमेश्वर अपनी उस वाचा का प्रमाण जो है वो उसको देता है कि जो वाचा मैंने तेरे साथ बात बांधी है उसका मैं तुझे प्रूफ देता हूँ, उसका मैं प्रमाण देता हूँ, और उस प्रमाण के लिए परमेश्वर जो है उसको कहता है कि तेरे परिवार में, तेरे घर में, तेरे वंश में जितने भी पुरुष हैं 8 साल के और ऊपर से लोग के लोग, उन सब का जो है वो खतना किया जाए, उन सब का जो है खतना किया जाए, क्योंकि खतना जो है वो खून बहाने को दिखाता है और ये मेरे और तेरे बीच में जो है एक निशान होगा कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। मैंने तेरे साथ ये वाचा बांधी है कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, और ये वाचा जो है ये जो प्रमाण है परमेश्वर जो है
परमेश्वर के कहने के अनुसार अब्राहम जो है अपने परिवार में करता है कि उसके परिवार में जितने भी मनुष्य थे, जितने भी मेल थे 8 साल या उससे ऊपर के, उन सब का जो है वो खतना किया जाता है। खतने के वक्त अब्राहम की उम्र जो थी वो 100 साल का था और 99 साल का था, और इसहाक जो उसके परिवार में जन्म हुआ उसकी उम्र करीब 12 साल की थी, यानी कि उसका पिता जो 90 वर्ष का है और उसका बेटा जो 12 वर्ष का है और उससे छोटे जो 8 वर्ष के हैं उसके परिवार में, उन सब का जो है एक ही दिन खतना किया गया। और ये परमेश्वर और अब्राहम के खानदान के बीच में एक निशान ठहरा, और ये जो है जो बलिदान को दिखाता है, खून बहाने को दिखाता है, जो हम मसीह के बलिदान से हम इसको जो है जोड़ करके सीख सकते हैं। अब्राहम जो है वो उस अपने समाज में सबसे सम्मानित व्यक्ति था और सारे जिति वो उसको अपनी राजकुमारी के रूप में देखता था, जो उसका मतलब होता है। और अब यहाँ अब्राहम जो है वो जब परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है तो अब्राहम का नाम जो है अब्राहम से अब्राहम उसका नाम बदल दिया जाता है, जिसका मतलब है कि बहुत से लोगों का पिता, बहुत से लोगों का मूल पिता। और सारे से सारा जो है उसका नाम बदला जाता है, जिसका मतलब है राजकुमारी। और जो उनके बच्चा पैदा होता है इसहाक, उसका भी जो है मतलब है कि वो खुशी के दिन व्यतीत करेगा, हंसते हुए अपने दिनों को जो है वो गुजारेगा। तो यह हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो 100 वर्ष का हो चुका है और सारा जो है वो 90 वर्ष की है, और अब्राहम परमेश्वर दोबारा से अपनी इस वाचा को उनको याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे वंश को जो है बढ़ाऊँगा और तुम्हें जो है वो संतान होगी, और तुम्हारी संतान जो है वो आसमान के जितने तारे हैं उनके बराबर होगी। और यहाँ जो है हम देखते हैं कि अब्राहम जो है जो वाचा परमेश्वर ने उसके साथ बांधी थी आज से 10 साल पहले, उसको जो है दोबारा से मजबूत करता है, उसके ऊपर दोबारा से जो अपना विश्वास मजबूती के साथ लेकर के आता है, और उसके बाद वो अपने जिंदगी के सफर पर आगे बढ़ता है। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका अपने अपने अच्छे विचारों को हम हमारे दर्शकों को के साथ और हमारे साथ साझा किया। आइए हम अगले अध्ययन में चलते हैं, बुधवार के अध्ययन में, जिसका शीर्षक है प्रतिज्ञा का पुत्र। और मैं चाहती हूँ सर राजेश चंद हमें बताएंगे इस विषय में कि यह अध्ययन हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में और अजनबी मेहमानों और जो अजनबी मेहमान आते हैं उनसे कैसा व्यवहार किया जाए इसके विषय में हम लोग क्या सीखते हैं इस कहानी के ज़रिए। जी, जैसे कि आपने आज के पाठ का, बुधवार के पाठ का शीर्षक बताया प्रतिज्ञा का पुत्र, तो हम भलीभांति हम जानते हैं कि प्रतिज्ञा का जो पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ अब्राहम और सारा को, और उस पुत्र का जितने भी लोग परिवार में थे सबका, जैसे अभी पास्टर भारती ने बताया कि सबका खतना किया गया। और हम सब जानते हैं कि खतना क्या होता है, इंग्लिश में हम इसको सर्कमसिजन बोलते हैं। और इस्माइल और सब, यहाँ पर लिखा है इस्माइल और सब, यानी कि जितने भी लोग थे, जितने भी सेवक वगैरह थे, सबका खतना किया जाता है। सभी पुरुषों का जो खतना हो जाने के बाद परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट होता है, और तब परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र देने का वादा किया, उस समय वो वादा करता है। और यदि हम पढ़ें उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय और 1 से 15 तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर 3 आगंतुकों या 3 स्ट्रेंजर्स हम कह सकते हैं, उनकी कहानी बताई गई है। तो एक दिन जब अब्राहम जो है वो अपने टेंट के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ था, और बहुत ही गर्मी का समय था, धूप या गर्मी का समय था, अब्राहम वहाँ पर बैठा था, तब उसने नज़र जब उठाई तो देखा कि उसके सामने 3 आगंतुक या 3 स्ट्रेंजर जो हैं उसको दिखाई दिए। तो ये एक मरुस्थल जगह थी जहाँ पर यदि आगंतुक आए या पर्यटक आए, ये बहुत ही
आश्चर्यजनक बात हम कह सकते हैं कि ये होती थी। तो जब अब्राहम ने उन तीनों को देखा तो वो उठकर उनके पास गया और उसने उन्हें खाना या भोजन देने की बात कही, और तीनों जो आगंतुक थे उन्होंने उसका जो इनविटेशन था, जो निमंत्रण था खाना खाने का वो उन्होंने स्वीकार किया। और अब्राहम जो भागकर अपने टेंट में जाता है, ये कहानी आप पढ़ सकते हैं, ये उत्पत्ति 18 में दी गई है। और तो हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो भागता हुआ जाता है टेंट के अंदर अपने, और अपनी स्त्री सारे को निर्देश देता है कि वो फटाफट तीन रोटी, शायद उस समय बहुत बड़ी रोटी बनती हूँ क्योंकि पाठ में लिखा है कि तीन रोटी बनाने के लिए उसने अपनी स्त्री सारा को कहा, तीन रोटी का आटा गूंदे और रोटी बनाए, तो बड़ी बड़ी रोटियाँ उस समय बनती होंगी। और फिर वो जाता है अपने जहाँ पर उसके पशु वगैरह रहते थे और नौकर को निर्देश देता है कि वो एक अच्छा सा स्वस्थ सा बछड़ा चयन करे और उसको मार के उसका जो जो मांस है उसको पकाने के लिए वो बोलता है, ताकि अपने तीन जो उसके मेहमान थे उनको वो खाना खिला सके। और इस प्रकार से वो बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों अपने जो गेस्ट थे उनकी देखभाल करता है। और जब खाना वगैरह पूरा तैयार हो जाता है और ला के वो उनको देता है, और उस समय वो खड़ा रहता है वहाँ पर बिल्कुल उनके सामने, जब तक कि वो तीनों जो आगंतुक थे, जो गेस्ट थे, वो भोजन करते रहते हैं, उनकी पूरी देखभाल करता है अब्राहम जब तक वो खाना अपना ख़त्म नहीं कर लेते। और हम देखते हैं आगे कहानी में कि खाने के बाद फिर वो तीनों जो लोग थे वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और अब्राहम इस बात का एक बहुत ही अच्छा या उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमें अपने घरों में लोगों का कैसे स्वागत करना चाहिए। कभी कभी हमारे घरों में अचानक से अनजान लोग भी आ जाते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे दोस्त हैं या जिनको हम जानते हैं, वो आ जाते हैं, तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात होती है कि हम उनको खाना पीना या उनकी आवभगत करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। लेकिन जब हमारे घरों में टोटली स्ट्रेंजर्स लोग कभी आ जाएं, तो हम उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? क्या हम उनको खाने पीने के लिए पूछते हैं या खाना खिलाते हैं? किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं? तो इब्रानियों किताब 13 अध्याय और उसके दूसरे पद में हम इस बात का जिक्र पाते हैं कि अब्राहम इस बात का एक बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा, सर्वोत्तम उदाहरण है। किस प्रकार से उसने अपने तीन जो गेस्ट, जो अतिथि आए थे, उनकी किस प्रकार से उसने आवभगत करी, उनको खाना खिलाया, और जब तक उन्होंने खाना ख़त्म नहीं कर लिया वो वहाँ पर खड़ा रहा है कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो तुरंत वो जाकर उसको लेकर आए। तो बाइबल हमें बताती है कि हमारे घरों में अजनबियों का और मेहमानों का स्वागत करना, ये मसीही लोगों का हमारा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक हमारा एक धार्मिक कर्तव्य होना चाहिए। हमारा धार्मिक कर्तव्य है कि हम अपने मेहमानों की देखभाल करें और उनका स्वागत करें, क्योंकि जब हम अपने घरों में अन्य लोगों का स्वागत करते हैं तो हम स्वयं परमेश्वर का स्वागत करते हैं। ये कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात और सच्ची बात यहाँ पर बताई गई है। यदि हम अपने घरों में अनजान लोगों का, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, तो क्या करते हैं? हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं। ये हमारे बाइबल हमें बताती है। मत्ती की किताब यदि हम पढ़ें उसका 25वां अध्याय और 35 से 40 तक, तो परमेश्वर को भूखे और ज़रूरतमंद अजनबी में अधिक दिखाया जाता है, जो उसे खिलाता है। तो जिस प्रकार परमेश्वर अब्राहम के पास आया, उसी प्रकार हम यीशु को देखते हैं। वह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया हम मनुष्यों को बचाने के लिए, वो एक मानवीय सेवक बन गया। तो इसी प्रकार से हमें भी एक मानवीय
मानवीय सेवक बनना चाहिए दूसरे लोगों के लिए, अनजान लोगों के लिए। यीशु हमें बचाने के लिए, परमेश्वर के वादे को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। उसी तरह परमेश्वर अब्राहम और सारा से अपना वादा निभाने के लिए वो अब्राहम के पास आते हैं और उनको जो वचन दिया था कि उनको पुत्र होगा वो पूर्ण होता है। तो अब्राहम के पास परमेश्वर का आना उसकी प्रतिज्ञाओं को सुनिश्चित करता है। शुक्रगुजार हूँ राजेश चंद आपके इस अच्छे संदेश के लिए जो आपने साझा किया हम सबके साथ। आइए हम गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं जीजो, और जिसका शीर्षक है सदोम में लूत। अब मैं पास भारती से चाहूँगी कि वो इस बात पर रोशनी डालें, सदोम में लूत की कहानी जो उत्पत्ति 18 में दी गई है उसके विषय में, अब्राहम के विषय में हम क्या सीखते हैं। ये हम आज जो बृहस्पतिवार का परचा है उसको हम सीख रहे हैं और उसका हेडिंग हमारे लिए दिया गया है जैसा मिसेज भारती ने बताया, सदोम में लूत। तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि अब्राहम का जो ये भतीजा है लूत वो सदोम और अमारा के देशों में रहता है, उनके आसपास के नगरों में रहता है। और यहाँ जो हम देखते हैं 18 अध्याय में कि ये सदोम जो शहर है ये बहुत, यहाँ के रहने वाले जो हैं वो बहुत ख़राब, बहुत पापी, बहुत गुनाहगार और बहुत दुष्ट हो गए हैं। और परमेश्वर के जो सेवक हैं, परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं, वो अब्राहम के परिवार में वो खाना खा करके, जिस्मानी भोजन ले करके वो जो है अब्राहम से बातचीत करते हुए और उसको जो है अपना मकसद उसको बता करके वो वहाँ से चले जाते हैं कि हम जो हैं अब सदोम की तरफ जा रहे हैं। और सदोम के लोगों की जो दुष्टता है, जो उनका पाप है, जो उनका गुनाह है वो बहुत बढ़ गया है और हम अब हम उनको सदोम और गमोरा को जो हैं वो ख़त्म करने पर हैं, नष्ट करने पर हैं, उनको बर्बाद करने पर हैं। वो लोग आगे चले जाते हैं लेकिन अब्राहम जो है वो बहुत सोच में डूब जाता है और परमेश्वर के साथ खड़े होकर के जो है वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करके वो परमेश्वर से बात करता है और सदोम और गमोरा के लोगों के लिए विनती करता है जो अन्य जाति के लोग थे। उनके अब्राहम के दिल में उन लोगों के लिए जो है वो दया आती है कि वो लोग जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। परमेश्वर से वो प्रार्थना करके और विनती करता है कि हे परमेश्वर, अगर सदोम में जो है वो 50 लोग भी हों तो क्या तो धर्मी जनों के साथ और दुष्टों के साथ जो है वो धर्मी जनों को भी क्या तो नष्ट कर देगा। और परमेश्वर कहता है कि अगर वहाँ 50 भी हैं तो मैं उस शहर को बर्बाद नहीं करूँगा। और इस तरह से बातचीत करते करते जो है 50 से जो है वो 25, 30 और 20 और यहाँ तक कि लास्ट में वो 10 तक आ जाता है। लेकिन परमेश्वर उससे वादा करता है कि अगर वहाँ पर 10 लोग भी धर्मी हैं तो मैं उस शहर को बर्बाद नहीं करूँगा। और अजीजो यहाँ परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की किताब के 19 अध्याय में 18 के आखिर में हम देखते हैं कि वहाँ जो है परमेश्वर से वो इस तरह की बातें करके परमेश्वर से वो अपने घरों को चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की नज़र में सदोम शहर में 10 लोग भी धर्मी नहीं थे और इसलिए ये दूत जो हैं जो अब्राहम के घर से जो है वो अपना दावत खा करके, अपना खाना खा करके जो है वो सदोम शहर की तरफ जब जाते हैं और उसके फाटकों में घुसते हैं तो लूत जो है वो फाटक पर बैठा हुआ होता है और लूत जो है उनको देख करके उनका आदर सम्मान करता है, उनको अपने घर में लेकर के आता है। लेकिन शहर के लोग जो हैं रात के वक्त उसके घर के दरवाजे पर आकर के उसके दरवाजे को तोड़ने लग जाते हैं, उसको कहते हैं कि जो तेरे मेहमान तेरे घर में आए हैं अजनबी लोग उनको तो बाहर निकाल। और लूत जो है उनसे बहुत विनती, उनसे बहुत दरख्वास्त वो करता है कि मेरे लोगों के साथ, मेरे जो मेहमान हैं उनके साथ जो है आप बुरा बर्ताव ना करें, मैं अपने परिवार को, अपनी बेटियों को आपके साथ भेज सकता हूँ। लेकिन यहाँ सदोम के लोग जो थे दुष्ट थे कि वो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और आखिर में परमेश्वर के ये दूत जो हैं वो लूत को जो है हाथ से पकड़ करके अंदर खींच लेते हैं, दरवाजे को बंद कर देते हैं और जो उसके दरवाजे पर जमा हुए थे उनको अंधा कर देते हैं और वो टटोटे सारी रात जो है वो
गुजर जाती है और परमेश्वर जो है रात के वक्त ही लूत को और उसके परिवार को कहता है कि तू अपने लोगों को लेकर के यहाँ से निकल जा, क्योंकि हम अब इस शहर को बर्बाद करने पर हैं। अजीजो, दूसरे दिन जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शाम होती है, जब ये दूत जो है शहर में घुसते हैं, तो दिन जो था दूसरे दिनों की तरह ही था। सूरज जो था वो छुप रहा था, लेकिन आसमान में कहीं कहीं पर काले बादल जो है वो छाए हुए थे, जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि समय जो है वो बहुत ख़राब है। और तमाम लोग जो थे वो अपने अपने कामों में व्यस्त थे। रात के समय में बहुत से लोग जो थे वो होटलों में या बारों में जाकर के जो है वो मौज मस्ती कर रहे थे, शराब पी रहे थे, तरह तरह के गंदे कामों में जो थे वे व्यस्त थे। लेकिन रात के वक्त ही वो लूत जो है जब वहाँ से निकलने के लिए वो आनाकानी करता है, तो परमेश्वर के दूत जो है उसका हाथ पकड़ करके उसकी पत्नी को, उसकी दोनों बेटियों को, क्योंकि वो दामाद जिनके साथ इसकी बेटियों की शादियाँ हुई थी, सगाई हुई थी, वो भी जो है उसको ठट्टा में उड़ाते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। और आखिर में परमेश्वर के ये दूत जो है उनको हाथ पकड़ करके शहर से बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये शहर को जो है गंदक और आग से जो है वो बर्बाद कर दिया जाता है। अजीजो, ये कहानी मुझे और आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आखिरी समय में भी जो है वो ऐसा होने वाला है कि परमेश्वर जो है इस दुनिया को जो पाप से भरती चली जा रही है वो इसको जो है वो नष्ट करने पर है, ख़त्म करने पर है। मैं और आप जो हैं अंत के दिनों में रह रहे हैं और परमेश्वर जो है अपने धर्मी लोगों को जो है वो बचाएगा, उनके लिए वो रास्ता निकालेगा। और ये दुनिया जो है सदोम और गमोरा की तरह गंदक और आग से जो है वो बर्बाद कर दी जाएगी। लेकिन यह दिखाता है कि हम परमेश्वर के साथ लगे रहें, उसके विश्वास में बने रहें, उस पर विश्वास करते हुए अपने ज़िंदगी के सफ़र पर हम आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को हमेशा आदर और महिमा देते हुए ज़िंदगी के सफ़र पर परमेश्वर की मदद से हम लोग जो हैं वो बढ़ते चले जाएं। इसलिए जो लूत है, जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर उसको सदोम शहर से जिसको उसने बर्बाद करने पर था उस शहर से उसको बचाया। परमेश्वर मुझे और आपको भी इस दुनिया से जो दुष्टता से भरती जा रही है, जब इसको बर्बाद करने का समय आने वाला है, तो वो मुझे और आपको जो है वो बचाएगा और जो दुष्ट लोग हैं उनको जो है वो नाश कर देगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका, आपने जो अपने विचार हमारे साथ साझा किए। अब मैं हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद हमको बताएं मिसेस वाइट के जो विचार हैं इस अध्ययन के विषय में, आप हम सबके साथ साझा करेंगे। जी, तो जैसे कि हम जानते हैं कि शुक्रवार को मिसेस एलन जी वाइट का जो लेख होता है इस पाठ के अंत में, वो मिसेस वाइट की लिखी हुई जो किताबें हैं उनके ऊपर आधारित रहता है। मिसेस एलन जी वाइट ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उनकी जो किताब है द लॉ एंड द कवेनेंट पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स में, उसको हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि वो लिखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर से सदोम के लोगों के बचाने के लिए क्या कहा। उत्पत्ति 18 या 22 से लेकर 33 तक हम इसको पढ़ते हैं। अब्राहम के उदाहरण में हमें पापियों के निमित्त प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ये मिसेज एल एन जी वाइट लिखती हैं अब्राहम के उदाहरण से। जिस प्रकार से अब्राहम ने पापियों के लिए प्रार्थना करी, वो परमेश्वर से उसने रिक्वेस्ट करी, उसने प्रार्थना करी कि अगर 50 लोग भी पाए जाते हैं धर्मी तो वो पूरे सब लोगों को बचाए, या 40, या जैसे कि पास्टर भारती ने भी बताया कि छोटा समूह या 10 लोग भी अगर पाए जाएं धर्मी लोग तो वो क्या उनको बचा नष्ट नहीं करेगा, पूरे सोडोम और गमोरा को जैसे नष्ट करने की बात थी। तो
परमेश्वर का उत्तर हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमेशा हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार है। ये जो कहानी, ये जो बात अभी पास्टर भारती ने हमें बताई, तो उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर जो है वो सर्वदा हमेशा, चाहे हम कितने भी बड़े पापी गुनाहगार हों, लेकिन यदि हम परमेश्वर से क्षमा याचना करते हैं तो वो हमें क्षमा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। परमेश्वर अपनी दया दिखाता है तब भी जब केवल कुछ ही लोगों को बचाया जा सके, जैसा कि हम यहाँ सदोम की कहानी में हम देखते हैं। परमेश्वर जो है पूरे नगर को माफ़ कर देगा अगर नगर में लोगों का केवल एक छोटा समूह ही हो जो उसके प्रति वफादार हो। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर जो है एक एक धर्मी में धर्मी को बचाना चाहता है, केवल धर्मी को नहीं लेकिन जो पापी लोग हैं और वो भी अगर अपने पाप से फिर जाते हैं तो उनको भी परमेश्वर जो है वो बचाएगा। यदि हम आगे पढ़ते हैं उनकी और किताबें, द हिस्ट्री एंड थियोलॉजी ऑफ द रेमिनेंट आइडिया फ्रॉम जेनेसिस टू आइजाया, ये उनका तीसरा संस्करण उनकी किताब का था, तो उसमें लिखते हैं कि हमारे चारों ओर लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। उनके साथ जो हो रहा है वो उतना ही भयानक और निराशाजनक है जितना कि सदोम के साथ हुई बुराई। हर दिन लोग बहुत सारे मरते हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और कितने लोग हमारे चारों तरफ डेली प्रतिदिन वो मरते हैं उसका हमें आइडिया भी नहीं है। और जब लोग मरते हैं तो उन्हें माफ़ करने का जो मौका है वो ख़त्म हो जाता है। यदि हम परमेश्वर के पास बिना आए, यदि हम हमारी जो टाइम है, हमारा जो प्रोबेशनल टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, तो क्या है कि हमें जो हमें माफ़ी मिल सकती थी उसका मौका ख़त्म हो जाता है। तो उसका कहने का मतलब यह है कि हमारे पास समय नहीं है। यदि हम पाप में हैं तो हमें तुरंत अपने पापों से क्षमा मांग के हमें अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमेशा तैयार है। जिस समय भी हम परमेश्वर के सामने आएंगे और उससे सच्चे मन से हम अपने पापों का हम पश्चाताप करेंगे और उससे परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे तो परमेश्वर हमें तुरंत माफ़ कर देगा। यदि हम नहीं आते हैं तो कब हम मृत्यु में चले जाएं हमें नहीं पता है, कब हमारे जीवन का अंत हो जाए हमें नहीं पता है। तो जब तक हमारे जीवन का अंत नहीं हो रहा है तब तक हमारे पास समय है, जिसे हम प्रोबेशनल टाइम या टाइम ऑफ प्रोबेशन बोलते हैं, वही समय है। तो और हम उसके साथ साथ ये भी नहीं जानते हैं कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी। तो जब हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है, परमेश्वर के पास आना है, तो वो यही समय है तुरंत, क्योंकि हम अगला क्षण नहीं जानते कि हमारे जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब्राहम की आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा थी, ये लिखती हैं मिसेस एलन जी वाइट। स्वयं परमेश्वर का पुत्र वह है जो पापियों की सहायता करने के लिए परमेश्वर के पास जाता है। यीशु ने हमें पाप से बचाने के लिए कीमत चुकाई। वह प्रत्येक व्यक्ति की कीमत जानता है, प्रत्येक व्यक्ति की कीमत परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर ने हम सबको अपनी छवि में बनाया है और हमारी कीमत जो है वह प्रभु के नज़र में बहुत ज़्यादा है, इसलिए परमेश्वर जो है हम सबको बचाना चाहता है। तो आज के पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने पापों की क्षमा चाहते हैं तो हम जो हमारे पास समय है वो अभी है, कल नहीं, परसों नहीं, उसके बाद नहीं, यही समय है कि हम परमेश्वर के सामने आएं, उससे अपने पापों की क्षमा मांगें। और परमेश्वर जो हमेशा तैयार रहता है हमें क्षमा करने के लिए।
शुक्रगुजार हूँ मिस्टर आशीषचंद आपका कि आपने अपने अच्छे विचार हम सबके साथ साझा किए। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, पास्टर भारती का भी कि आपने हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया। जैसा कि इस अध्ययन में हमने सीखा अब्राहम सारा की कहानी और सदोम के विषय में, लूत के विषय में, हजरा के विषय में, जो कहानियाँ हमें बहुत सी अच्छी शिक्षाएं देती हैं जीजो, और मुझे आशा है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हम लोग भी कई बार जब इस दुनिया में जीते हैं अजीजो, तो हम लोग भी जो हैं भूल जाते हैं परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, अब्राहम की प्रतिज्ञाओं के जरिए वो प्रतिज्ञाएं हम तक भी आती हैं, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं। उसने हम 15 अध्याय का पहली आयत ही इस वायदे से प्रभु ने शुरू की कि तू भयभीत मत हो अब्राहम, तू डर मत, और जो है मैं तुझे बहुत ही बड़ा प्रतिफल देने को, परमेश्वर ने ये वायदा उससे किया कि मैं बहुत बड़ा प्रतिफल तुझे देने को हूँ। अजीज़ो, ये वायदे जो हैं परमेश्वर के सच्चे हैं। हम देखते आए हैं कि बहुत से वायदे, बहुत सी प्रतिज्ञाएँ परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरी की, और कई बार वो भटक भी गए, उनसे गलतियाँ भी हुई, तो उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है कि जो गलतियाँ उनसे हुई वो हम ना करें, और बल्कि उसी पर, प्रभु पर, अपने परमेश्वर पर जिसने हमें बनाया है उस पर भरोसा रखें। इन वायदे जो हमें दिए हैं उन पर भरोसा रखें, धीरज के साथ हम अपने जीवन को बिताएं उस पर भरोसा रखते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, दुआएं करते हुए। जैसे कि हम देखते हैं दुनिया में बहुत सी बुराइयाँ हैं अजीज़ो, हमारा प्रेमी परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है वो हम सबको बचाना चाहता है, दुनिया के सब लोगों को बचाना चाहता है, और वो ये चाहता है, हमसे भी ये उम्मीद रखता है, आशा रखता है कि हम जो सीखते हैं इन अध्ययन के जरिए हम दूसरों को सिखाएं, बताएं, उसके प्रेम के बारे में बताएं, और उसको सिखाएं कि वो हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमसे कोई भी पाप हो जाए तो कभी भी हम आ सकते हैं उसके पास, और वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। अजीज़ो, इस प्यार को, प्रभु के प्यार को दूसरों के साथ साझा करें, इन शिक्षाओं को, इन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दिए हैं, दूसरे आने का, प्रभु यीशु की दूसरी आमद का जो वायदा है उसको दूसरों के साथ शेयर करें, और आशा में बंधे रहें उस अनंत राज में, ताकि दूसरों के भी हम तैयार करें, जो भटके हुए हैं, जो खोए हुए हैं, उनको परमेश्वर के पास ला सकें। क्योंकि परमेश्वर हमें यही कहता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है जब कोई भी भेड़ उसके पास, जब कोई भी है आ जाती है, तो वो बहुत आनंद मनाता है। तो हम सबका एक जिम्मेवारी है परमेश्वर ने कि हम उस पर चलें, सिखाएं लोगों को। अजीज़ो, इस अच्छे संदेश के साथ जो हमने सीखा है उसमें बने रहें, उसके आज्ञाओं में और उसकी बातों में दृढ़ता के साथ, और उससे दुआएं करते रहें। इसी के साथ आज हम अपने अध्ययन को समाप्त करेंगे, और मैं चाहती हूँ हमारे इस अध्ययन के समाप्ति पर पास्टर बारा भारती हम सब के लिए दुआ में अगुवाई करें। आइए दुआ करें। परम पिता परमेश्वर, हमारे मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे पवित्र वचन को, शुभ संदेश को अपनी इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। खुदा मन तुझसे दुआ करते हैं कि जो लोग इसको देखते हैं वो परमेश्वर तेरी तरफ से आशीष पाएँ, और परमेश्वर तुझ में विश्वास कर सकें, और तेरे में विश्वास करते हुए परमेश्वर जिंदगी के सफर पर आगे बढ़ें, क्योंकि तू परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। खुदामंद, तू हमारा परमेश्वर है, और तूने हम में से हर एक को परमेश्वर प्रतिपल हमारे लिए रखा है। इसलिए खुदामंद दुआ करते हैं कि हम तेरे शुभ संदेश को अपने जीवन में, अपने दिल में गहराई के साथ उतार सकें। तू हमारी मदद कर, हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो और उनकी अगुवाई कर, उनके परिवार पर, उनकी खेती बाड़ी पर, उनके पशुधन पर, उनके हाथों पर परमेश्वर तेरी आशीष चाहते हैं। खुदावन तू उनको बरकत दे और अच्छे स्वास्थ्य में रख, और हम तमाम को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, जिससे कि गवाही हो और तेरी आमद आसमान के बादलों पर जल्द हो सके, और हम तमाम विश्वासी तेरे नाम का गीत गाते हुए तेरा स्वागत कर सकें, और तेरे साथ स्वर्गीय घरों में जा सकें, और हमेशा हमेशा आनंद जीवन में तेरे साथ जी सके हैं। तो हम तमाम की अगुवाई कर, प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।